मल्होत्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे पल पल के YouTube चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम, एक साप्ताहिक कार्यक्रम आपके लिए शुरू किया है, जिसमें हम आपको एक अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग डाइट प्लान बताएंगे। और उसी के चलते हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर पूजा बंसल जी, जो कि स्लिम फिट डाइट केयर सेंटर के नाम से अपना क्लिनिक चलाती हैं और एक बहुत ही फेमस डाइटिशियन है। तो आज हम इनसे बात करेंगे माइग्रेन के बारे में और उनसे जानेंगे कि माइग्रेन क्यों होता है, उसके क्या लक्षण है और उसके लिए हमें क्या डाइट प्लान करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर पूजा जी से। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन है क्या। देखिए, माइग्रेन जो है एक सर दर्द की परेशानी है। माइग्रेन अपने आप में कोई एक बहुत बड़ा डिजीज नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को माइग्रेन के चलते बहुत परेशानी होती है। माइग्रेन की हम कह सकते हैं कि माइग्रेन के कारण अपना काम करने में लोगों को बहुत कठिनाई आती है। माइग्रेन में कुछ लोगों को आधा सिर में दर्द होता है, कुछ लोगों को सिर के बीच के हिस्से में दर्द होता है, कुछ लोगों को पूरा हेडेक होता है। माइग्रेन के कारण उनका जी घबराना, जी मचलाना, कुछ घबराहट होना और सोने जैसी, अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम्स काफी आती है। तो इसके अगर माइग्रेन हो कई बार, तो इसका पेन इतना भयंकर होता है, बहुत तेज होता है। एक्चुअली मुझे भी होता है, मेरा सिर ऐसा लगता है जैसे एकदम से फटेगा उस टाइम। इतना जोर के दर्द होता है और वॉमिट जैसा भी फील होता है ऐसा। तो क्या करना चाहिए उस टाइम में? माइग्रेन जिन भी लोगों को है, जैसे कि शालू जी आपने बताया कि आपको माइग्रेन है, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। माइग्रेन जिन भी लोगों को होता है, उनको होने से पहले एक ओरा क्रिएट हो जाता है। जिस दिन आपको माइग्रेन होना है, उस दिन होने से पहले आपको पता होता है कि आज मुझे माइग्रेन होने वाला है। बाकी किसी भी प्रॉब्लम का हमें होने से पहले नहीं पता होता है कि माइग्रेन है, जिसमें हमें प्री सिम्टम्स, जिसमें एक ओरा, वो सिर्फ वही पेशेंट बता सकता है जिसको माइग्रेन है। तो आप इस चीज को बेहतर समझ सकती है। इसमें आपको करने के लिए जो है, जब आपको माइग्रेन लगे कि मुझे स्टार्ट होने वाला है, उस वक्त हम आपको एक लेवेंडर ऑयल सजेस्ट कर सकते हैं। आप उसके कुछ 2 या 3 ड्रॉप्स अपने हैंकी में डालेंगे और स्निफ करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा हम एक और ऑयल भी सजेस्ट कर सकते हैं जो इजीली अवेलेबल है, पेपरमिंट ऑयल। उसके भी 2-3 ड्रॉप्स आप अगर हैंकी में डालते हैं, स्निफ करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उससे रिलीफ मिलता है? हाँ, लेकिन वो तभी रिलीफ मिलेगा जब आपका ओरा क्रिएट हो रहा है, जब आपको पता है कि आज मुझे माइग्रेन होने वाला है। सरदर्द होने से पहले अगर आपने ये ट्रीटमेंट लिया तो बहुत बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सरदर्द शुरू होने के बाद आपको कुछ ना कुछ मेडिकेशन पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए हमें माइग्रेन? माइग्रेन कुछ कारणों से होता है, जैसे कुछ लोगों को माइग्रेन एसिडिटी होने से होता है, तो उन लोगों को एसिडिक चीजें नहीं खानी चाहिए। या तो वो मॉर्निंग में ही कुछ एंटासिड वगैरह ले, लेकिन बहुत सारे लोग एंटासिड को भी मेडिसिन मानते हैं। वो बोलते हैं नहीं, सुबह सुबह खाली पेट कैप्सूल्स टैबलेट्स नहीं खानी है। तो अगर आप एंटासिड नहीं लेते हैं, तो आप अपने खाने के अंदर कुछ भी फ्राइड चीजें हैं या आप ऐसा देखते हैं कि ऑयली चीजें हैं, वो सब चीजों को अवॉइड करें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर कुछ एसिडिक रिएक्शन हो ही ना। अगर एसिडिटी से आप प्रिवेंट करते हैं तो आपका माइग्रेन एसिडिटी की वजह से जो हो रहा है वो नहीं होगा। मील स्किप नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मील स्किप करते हैं, खाना भूखे रहते हैं कुछ लंबे टाइम, तब भी उनको माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन का मेन रीजन जो है वो स्ट्रेस भी है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपका हार्मोन ब्रेन से रिलीज होता है कार्टिसोल, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। तो इन सब चीजों से आप जितना अपने आप को दूर रखेंगे, आपका माइग्रेन नहीं होगा। तो आप कुछ ऐसा हमें खान पान बताइए जिससे, यानी कि हमारी सही डाइट लेकर हम उस पर कंट्रोल कर सके। अपने डाइट के अंदर मैक्सिमम फाइबर यूज करेंगे तो आपका जो डाइट है वो सेट रहेगा, आपको एसिडिटी क्रिएट नहीं होगी। मील स्किप नहीं करना है तो उसमें आप मॉर्निंग में पराठा की जगह चपाती ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, और लंच टाइम में आप कोई फाइबर चपाती, जैसे जौ के आटे की रोटी, अगर आप वो खाते हैं, और उसके साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स, एक ह्यूज अमाउंट ग्रीन वेजिटेबल्स का। ये नहीं है कि आपने कुछ भी बनाया तो आपने बिल्कुल चटनी की तरह थोड़ी सी वेजिटेबल ले ली, ऐसा नहीं करना है। और डिनर में कुछ लाइट रखना है, और अगर आप सॉल्ट फ्री डिनर कर लेते हैं तो बेस्ट है। थैंक यू पूजा जी। तो अगर हमारे व्यूअर्स डॉक्टर साहब से पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो हम आपको उनका एड्रेस नोट करवाते हैं। आप प्लीज नोट करिएगा डॉक्टर का एड्रेस, स्लिम फिट डाइट केयर, ए ब्लॉक बिहाइंड यूको बैंक, और 110 नंबर। और कॉन्टेक्ट नंबर मैडम आप प्लीज व्यूअर्स को बता दीजिए, 9468375040। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका।
दर्शकों अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।